आज केआरके साहब ने आरआरआर के ऊपर एक नेगेटिव रिव्यू दिया है। आपने तो पुष्पा को भी नेगेटिव रिव्यू दिया था और आरआरआर को भी नेगेटिव रिव्यू दे रहे। आप तो आरआरआर को फ्लॉप मूवी बोल रहे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है आप क्यों ऐसे बोल रहे। ये दोनों साउथ इंडिया का सच अ बिग मूवी है, आप उसे सोचे समझे बिना, लॉजिक यूज करने से बिना आप जस्ट लाइक दैट आप फ्लॉप बोल रहे, यूजलेस बोल रहे। आप क्यों ऐसे बोल रहे, मुझे तो कंफ्यूज लग रहा है। आपका मूवी का रिव्यू कुछ भी लॉजिक नहीं। अभी मैं एक एक पॉइंट को रिव्यू करूंगा, आपका रिप्लाई आरआरआर के ट्रेलर के आपका रिव्यू को मैं एक एक पॉइंट रिव्यू करूंगा। मैं यही तरह पुष्पा को भी किया था, अभी तो आरआरआर को भी करूंगा। आप देखिए, आप इसको रिप्लाई करिए। पहला पॉइंट, आप बोल रहे कि राजमौली साहब ने तेलुगु मूवी बना है और हिंदी ऑडियंस को जस्ट डब करके छोड़ दिया है। भाई साहब, आपको क्या लॉजिक नहीं है क्या? आप समझो, कोई भगत सिंह का मूवी बना रहे, एक्चुअली वो मूवी किधर बनना है? पंजाब में बनना है और हिंदी को, तेलुगु को, तमिल को डब करना है। उस टाइम में आपने ये प्रश्न नहीं पूछा, आपने नहीं पूछा कि ये पंजाब का मूवी हिंदी में क्यों बन रहा है। क्या भाई, आपको हिंदी में तेलुगु में क्या फर्क दिख रहा है? पंजाब भगत सिंह का मूवी बना तो पंजाब में बनना है और हर जगह वो डब करना है। सेम उसी तरह ये तो तेलुगु के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में है, इसलिए वो तेलुगु में बनता है और इंडिया, सारे इंडिया को उसका फ्रीडम फाइट का पावर दिखाने के लिए हर एक स्टेट को हर एक लैंग्वेज में डब करता है। यही लॉजिक है, आपका लॉजिक ही ठीक नहीं। किसी मूवी में हिंदी में बना के फिर तमिल में बना, तेलुगु, ऐसे नहीं होता है भाई। इसका लॉजिक होता है, ये तेलुगु का फ्रीडम फाइटर्स है सो तेलुगु में बनता है और हर एक अदर लैंग्वेज को डब होते है। जैसे कि भगत सिंह का मूवी पंजाब में बनना है एक्चुअली, लेकिन नहीं बना। पंजाब में बन के हर एक लैंग्वेज में जैसे कि हिंदी, तेलुगु, तमिल में डब होना है। आप उस टाइम में कुछ भी प्रश्न नहीं पूछा, अभी पूछ रहे, क्या बायस रिव्यू है भाई। और आप बोल रहे कि राजमौली हिंदी ऑडियंस को उल्लू बना रहे, हिंदी ऑडियंस का कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे बोल रहे। आप क्यों ऐसे लोगों को नीचे दिखाते हो भाई, ऐसे नहीं बोलने का। ये तेलुगु फ्रीडम फाइट है इसलिए तेलुगु में बना है और हर एक जगह में डब होता है, जैसे कि पंजाब का भगत सिंह का पंजाब में ही बना है। तो आप ये लॉजिक छोड़ के आप हिंदी के ऑडियंस उल्लू है क्या, क्यों हिंदी में नहीं बन रहा है, ऐसे मत बोलो भाई। देखिए, साउथ इंडिया का एक संस्कार है कि हम किसी लोग को नीचे नहीं दिखाते, ओके। आप अपने ही ऑडियंस, बॉलीवुड के अपने ही ऑडियंस को आप उल्लू के पट्टे बोल रहे, ऐसे क्यों बोलते है भाई, ऐसे मत बोलो, सबको इज्जत दो, ओके। अभी नेक्स्ट पॉइंट जाते है। आप बोल रहे थे जूनियर एनटीआर का एक टाइगर के साथ एक सीन है वो बहुत फेक है। भाई साहब, आपका लॉजिक अगेन फेल है। देखो भाई साहब, ये फ्रीडम फाइटर से उसका हार्ट माइंड बहुत स्ट्रांग होते हैं। आप जैसे, हम जैसे लोगों के एक बिल्ली आए तो भी हम डर के भाग जाते हैं। ये फ्रीडम फाइटर से वो जान देने के लिए रेडी है, उसको एक शेर क्या है भाई, आपको शायद मालूम है या मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं। टिप्पू सुल्तान एक साउथ इंडिया में एक स्ट्रगलर था, वो भी ऐसे ही शेर के साथ फाइट किया था। सो शेर के साथ फाइट करना इतना बड़े बड़े लोगों को ये इतना बड़ा इश्यू नहीं और ये फेक नहीं। आप जैसे मत समझो, ये फ्रीडम फाइटर से भाई, टाइगर से इजीली फाइट कर सकते, शेर से इजीली फाइट कर सकते, हम जैसे लोग को बिल्ली के साथ भी फाइट नहीं कर सकते। आपका लॉजिक टोटल रॉन्ग है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, आप बोल रहे कि राजमौली साहब को सक्सेस देने का एक इनसिक्योरिटी है। बाहुबली जैसा बड़ा मूवी बना दिया और नेक्स्ट मूवी उससे भी बड़ा और सक्सेस बनाने का प्रेशर है, इसीलिए उसने बड़ा बजट, बड़ा स्टार जैसे कि अजय देवगन, आलिया भट्ट, जूनियर एनटीआर, रामचरण, उसको सबको लेके जब मसाला कर रहे हैं, ऐसे सोच रहे। भाई, आपको फिल्म क्रिटिक में एक आप समझना है कि आपको उसके बारे में आपका हिस्ट्री आपको मालूम चाहिए। राजमौली का हिस्ट्री आपको मालूम नहीं, राजमौली का हरेक मूवी सक्सेस है, अब तक कोई फ्लॉप मूवी नहीं है भाई। और हरेक मूवी पहले मूवी से बेहतर होता है, बड़ा होता है, अच्छा होता है, सक्सेसफुल होता है। जैसे कि अभी तो बाहुबली देखे, अब देखिए आरआर उससे भी बड़ा और सक्सेसफुल होता है। सो बाहुबली का माइंड है, वो जीने से भाई। आप ऐसे मत सोचो कि कोई नॉर्मल डायरेक्टर है जो जस्ट दो गाने, तीन किस्से या जस्ट मसाला डाल के हीरो हीरोइन ऐसे नाम बना के मूवी नहीं बनाते भाई। ये राजमौली है, राजमौली का स्टैंप है, समझो, लॉजिक यूज करो।
नेक्स्ट पॉइंट, आप बोल रहे थे कि आलिया भट्ट ने भीख मांग के राजमौली से एक मूवी का चांस ले। भाई प्लीज ऐसे मत बोलो, मैं अगेन बोलता हूँ, साउथ इंडिया का एक संस्कार है कि हम लोगों के बारे में ऐसे नेगेटिव और नीचे नहीं दिखाते। आप क्यों ऐसे दिखाते? आप आलिया भट्ट एक लड़की है, थोड़ा सा अच्छा बात करो भाई। देखो मैं एक साइंटिस्ट हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप समझो न्यूटन या आइंस्टीन उधर जा रहे, मैं उसके साथ जाके ऑटोग्राफ लेके मैं पूछूंगा, न्यूटन जी मैं आपके साथ काम कर सकती हूँ, कोई चांस है तो मुझे दे दो। मैं प्यार से बोल रहा हूँ, मुझे सीखना है, न्यूटन से सीखना है, आइंस्टीन से सीखना है, इसलिए मैं पूछूंगा। सेम वे आलिया भट्ट राजमौली को बहुत इज्जत करता है और इज्जत करना भी चाहिए क्योंकि राजमौली बहुत जीनियस है। सो वो पूछा होगा कि मुझे भी एक फिल्म में आप चांस हो, मुझे भी सीखना है, मुझे भी ग्रो कर, उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? आप उसको नेगेटिव बोल रहे कि वो बेग किया था, वो भीख मांगे था, ऐसे मत बोलो भाई। सभी को ग्रो करना है, वो किधर से आया था, कैसे आया था, ऐसे मत समझो। नेक्स्ट पॉइंट, आपने बोला कि राजमौली ने प्रॉमिस किया होगा कि अजय देवगन को एक नया हीरो रोल देंगे, जैसे कि क्या करण जौहर को एक प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट मूवी डायरेक्ट। ऐसे नहीं भाई, राजमौली ऐसे नहीं जाते है। आप किधर पड़े है सब? आप सिंपली रूमर फैल रहे, किधर पड़े आप सब? राजमौली इंस्पायरिंग स्टोरी पहले ढूंढते है, उसके बाद ही हर एक काम चालू करते है। ये मुझे उसको एक रोल देना है, उसको उसके साथ एक मूवी डायरेक्ट, ऐसा नहीं सोचते भाई। आप राजमौली का हर एक इंटरव्यू देखो, ये मेनली जाते हैं स्टोरी के ऊपर, उसके इमोशंस के ऊपर, उसके बाद सब चलता है, उसके बाद हीरोज होगा, उसके बाद डायरेक्टर, उसके बाद प्रोड्यूसर, उसके बाद किस लैंग्वेज में, सब बाद में होते हैं। आप शायद आपको भाई आप कुछ लॉजिक समझो भाई। नेक्स्ट पॉइंट, आप बोल रहे थे ये सेट बहुत फेक दिख रहा है। मुझे तो ये पता नहीं चल रहा आपका फेक का मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है। आप सबको फेक कर रहे, टाइगर को फाइट, वो शेर का फाइट एक फेक कर रहा है, सेट फेक कर रहा है भाई। मूवी एक फेक है भाई, मूवी एक पर्दा में दिखता है, वो रियल नहीं है। आप समझो मूवी का मतलब ही एक फेक है, वो पर्दे में दिखता है, वो इमेजिनेशन सक्सेस है। ऐसा ही नहीं कि वो लाइव दिखा के एक कोई डॉक्यूमेंट्री लाइन नहीं दिखा रहे, मूवी फेक है, सब कुछ फेक ही इसमें। आप क्यों ऐसे कुछ भी कर सकते भाई? 400 crores खर्चा बना के सेट किया तो आप फेक बोल रहे, क्या बोलूं मैं अब? नेक्स्ट पॉइंट, आप बोल रहे ये स्टोरी में कुछ नया नहीं है। भाई साहब पहले एक बात बोलो, अभी तो सो मेनी मूवीज हमने देखे, सब मूवीज ने हीरो हीरोइन लव किस सॉन्ग ऐसे ही होते। राजमौली फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर में एक इमेजिनेशन स्टोरी बन के, फिक्शनल स्टोरी बन के, ड्रामेटाइज करके, लार्जर देन लाइफ बना के, टेक्निकल एक्सलेंस दिखा के, कितना हाई इमोशंस दिखकर आप बोल रहे हैं उसमें नया क्या है? आपको नया का मतलब क्या है भाई? आपको क्या चाहिए एक्चुअली? मुझे तो कंफ्यूज है, आपको क्या चाहिए? मैं फाइनल एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ के साहब, आप गोइंग फॉरवर्ड लॉजिक यूज कर दीजिए और लॉजिकली आप रिव्यू कर दीजिए। आप कोई पॉइंट आप डालने के पहले आप समझो क्या ये ठीक है या नहीं ठीक है, कुछ भी आप मत बोलो भाई, क्योंकि आप समझो पुष्पा को भी ऐसे बोले थे, 400 crore बना के कितना लोग उसको डिफिकल्ट से हार्ड वर्क करना बना के एक मूवी बनाते हैं, आप एक ही दो लाइन में बना बोल देते हो ए फ्लॉप है, कुछ भी नहीं, वो नहीं, नेगेटिव है स्टोरी में, क्या भाई? लॉजिक भाई, लॉजिक यूज करो। अब कोई भी आप एक स्टेटमेंट बोलो तो अब उसके बैकिंग करना है, अच्छा बैकिंग करना है, नहीं तो क्यों? बहुत सारे लोग को नुकसान होता है भाई। और सेकंड पॉइंट, अब पुष्पा में ऐसे नेगेटिव बोला था कि साउथ से कुछ नहीं होगा, नॉर्थ के लोग अलग है, ऐसा मत, साउथ नॉर्थ ये सब डिवाइड मत करो भाई। अभी तो 2022 आ रहा है, वर्ल्ड हैज चेंज, दिस वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर टैलेंट, ओके, दिस वर्ल्ड इज नॉट लुकिंग फॉर एनी डिविजन, प्लीज गो फॉर टैलेंट भाई। आप टैलेंट को, ये टैलेंट ईस्ट में भी हो सकता है, वेस्ट में भी हो सकता है, नॉर्थ में भी हो सकता है, साउथ ईस्ट किधर भी हो सकता है भाई, एक गांव में हो सकता है, एक सिटी में हो सकता है, किधर भी हो सकता है। आप डायरेक्टली प्लीज ऐसे साउथ नॉर्थ हिंदी पंजाबी तेलुगु ऐसे मत डिवाइड करो, लेट अस ऑल यूनाइट, लेट अस ऑल मेक ग्रेट मूवीज। अभी आप देखे आयन मुखर्जी ने कितना बड़ा ट्वीट डाला है, अच्छा ट्वीट डाला है ना, दिस इज गिविंग कॉन्फिडेंस टू ऑल ऑफ, ऐसा समझो भाई, किधर से भी आ सकता है, टैलेंट को हम बढ़ावा देना है।